वेलकम गाइस। तो बहुत टाइम पहले कभी नंबर वन रही एक कंपनी, इसका नाम नोकिया है। आजकल उसको एचएमडी ग्लोबल ने खरीद रखा है। तो उन्होंने एक नया फोन लॉन्च किया है, इसका नाम उन्होंने रखा है नोकिया C30। और ये फोन ऐसा है, इसके अंदर स्पेक्स ऐसे ऐसे हैं कि आप जान के शॉक हो जाओगे कि सच में कुछ ऐसा फोन भी एग्जिस्ट करता है इंडिया की इस कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसा है ये फोन, क्या आपको इसके लिए जाना चाहिए, कहां पर ये अवेलेबल होगा, कितनी इसकी प्राइस है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा ऐसी वीडियोस पाने के लिए। चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले डिजाइन और डिस्प्ले की बात करते हैं। डिस्प्ले काफी बड़ी है, एक लार्ज डिस्प्ले, बिग डिस्प्ले आपको मिली है। 6.82 इंच की HD प्लस इसका रेजोल्यूशन है 720p। नोकिया की तरफ से आप फुल HD की उम्मीद ही मत करिएगा अंडर 15,000। तो फिलहाल मेरा ऐसा मानना है क्योंकि जितने भी फोन आते हैं इवन 17-18,000 तक, उनमें भी ये HD प्लस डिस्प्ले ही देते हैं। ये फोन फिलहाल 11,000 की कीमत का है, तो ऐसे में तो HD प्लस बनती ही है इनकी तरफ से। हालांकि और कंपनी है जो फुल HD भी प्रोवाइड करके बेनिफिट प्रॉफिट कमा रही है, मार्केट में एग्जिस्ट करती है, बट नोकिया को कुछ ज्यादा ही प्रॉफिट चाहिए और इसीलिए वो HD प्लस डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। साइज थोड़ा बड़ा है 6.82 इंच का, तो वीडियो वगैरह देखने में आपको काफी अच्छा लगेगा। रियर साइड में आपको सेम वही नोकिया का डिजाइन, प्रॉपर ऐसा लगता है कि उन्होंने कॉपीराइट ले लिया है डिजाइन का, कि इसके अलावा हम कोई दूसरा डिजाइन देंगे नहीं, क्योंकि इसके अंदर फिर से वही आपको रिंग शेप वाला एक डिजाइन दिया गया है, जहां पर आपको दो कैमरास दिए गए हैं। 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर इसके अंदर अवेलेबल है। सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल की सेल्फी है। जी हाँ, 5 मेगापिक्सल सेल्फी, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, एक नॉर्मल सा हम कहेंगे कि जो एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स होते हैं कुछ उस टाइप का ही यहाँ पर हमें कैमरा कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिला है। एंड्रॉइड 11 पर ये आया है, स्टॉक एंड्रॉइड पर इनका जो OS वो बेस होता है आप सब जानते हैं। इस फोन के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर भी अवेलेबल है। तो ये तो कुछ चीजें ऐसी थी जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ओप्पो और वीवो जैसी कंपनी से भी, बट अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। 3GB और 32GB का बेस वेरियंट है, प्राइस है 10,999, और 4GB रैम और 64GB का एक और वेरियंट है, प्राइस है 11,999। यहां तक तो सब कुछ सही लगता है। अब बात आपकी प्राइस की जो हमने कर ली है, अब करते हैं प्रोसेसर। यूनिसॉक की तरफ से आने वाला SC9863A प्रोसेसर है, जो इन्होंने नोकिया ने ही अपने C01 में दिया था ऑलरेडी, जो कि केवल 6,000 के आसपास का फोन था, और अब उसी को ये लगभग डबल प्राइस में प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके अंदर आपको एंड्रॉइड गो वेरिएंट मिलता है। जी हाँ, ये फुल फ्लैट एंड्रॉइड नहीं है। 11,000 रुपीज पे करने के बाद भी आपको गो सॉफ्टवेयर मिल रहा है, एंड्रॉइड गो मिल रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है, एक नाइन सा भी है आजकल के मार्केट के हिसाब से। और प्रोसेसर ऐसा है जो 28 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट है, तो आप यहाँ पर उम्मीद ही मत कीजिएगा कि आपको ये हीट नहीं होगा और आप अच्छे खासे गेम खेल पाएंगे। तो गेमिंग वगैरह की आप उम्मीद नहीं कर सकते, इवन 12,000 का फोन होने के बावजूद भी नॉर्मल से आप टास्क वगैरह कर सकते हैं, कॉल रिसीव करना, मैसेज करना, फेसबुक चलाना, वाटर चलाना, और कभी कभी सबवे सर्फर या टेम्पल रन वगैरह खेल लेना अगर आप गेमिंग की बात करते हैं, तो कुछ कुछ टाइप के गेम ये स्मार्टफोन प्ले कर पाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अंदर जो और जो खासियत है, वो ये है कि इसके 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी है, बट उसके साथ जो चार्जर दिया हुआ है वो ऐसा है कि आपको सर्व लग जाएंगे चार्ज करने में। केवल 10 वाट का चार्जर है, 18 वाट भी सपोर्ट नहीं दिया है। 18 वाट दिया होता या कम से कम 18 वाट तो यही होता, ऐसे तो 25-20 वाट की उम्मीद तो हम नोकिया से नहीं करें तो बेटर है, क्योंकि वो ये प्रोवाइड नहीं करने वाले। तो आपको लगभग 4 घंटे के आसपास तो नॉर्मली लगेगा ही अगर आप 10 वाट से 6000 mAh की बैटरी चार्ज करेंगे। तो चार्जिंग भी काफी स्लो है, बैटरी कैपेसिटी हालांकि ठीक है, प्रोसेसर इतना फास्ट नहीं है, स्लो प्रोसेसर आपको मिला है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोसेसर इस कैपेबल नहीं है कि आप 12,000 रुपीज में इसको बाय कर सको। हालांकि डिस्प्ले इस बार इन्होंने अपनी थोड़ी सी जो पंच होल वगैरह है वो भी नहीं दिए, इन्होंने इस बार बेजल थोड़े से कम किए हैं, और यहाँ पर आपको एक डॉट नोच की डिस्प्ले है वो प्रोवाइड की है। तो 12,000 रुपीज में इसकी जो आजकल जहां कंपनी एक अच्छा प्रोसेसर, गेमिंग प्रोसेसर लॉन्च कर रही है, साथ में फुल HD प्लस डिस्प्ले भी दे रही है, और कैमरा भी अबाउट 50 मेगापिक्सल तक प्रोवाइड कर रही है, और सेल्फी में भी 16 मेगापिक्सल और 13 मेगापिक्सल तक प्रोवाइड कर रही है, ऐसे में आपको इन सब चीजों के नाम पर नोकिया ने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया है। अगर कहीं मुझे नोकिया का जो हेड है HMD ग्लोबल के, जो मार्केटिंग या फिर जो उनके इस डिपार्टमेंट को देखते हैं प्रोडक्शन वाले को, अगर वो कहीं मिलते हैं तो मैं उनसे ये जरूर पूछूंगा
कि भाई आप कौन सा नशा करके फोन को लॉन्च करते हैं, बाकी आप बताना कि आप उनसे कौन सा सवाल पूछने वाले हो अगर वो कहीं मिल जाते हैं तो। पर उनको ये नहीं दिख रहा कि मार्केट में और कंपनीज भी एग्जिस्ट करती हैं, हम ये चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम उनसे बेटर नहीं दे सकते तो एटलीस्ट उनके जैसी चीज तो प्रोवाइड करें। ये आपको एक एंट्री लेवल का स्मार्टफोन प्रोवाइड करते हैं, वो भी 11-12,000 की रेंज में, तो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो इसके लिए बिग नो है मेरी तरफ से, और ये फोन बिल्कुल भी लेने लायक नहीं है। नोकिया को पकड़ा गया है, कुछ भी ज्यादा खास ही करने वाले नहीं है इंडस्ट्री में, तो ऐसे में इनको अपनी कंपनी बंद करनी ही पड़ेगी, तो ये की मजबूरी है। बट पता नहीं कैसे सरवाइव कर पा रहे हैं, ये कंपनी बंद क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ मेरे माइंड में ख्याल आता है। बाकी आप बताना आपको क्या लगता है कि ये फोन कितना कारगर साबित होगा इंडिया में या नहीं होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। बट इतना तो पता है कि आप लोग इस फोन को बाय नहीं करने वाले हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अमेजोन वगैरह पर ये अवेलेबल है और nokia.com पर भी अवेलेबल है, ऑफलाइन स्टोर पर भी अवेलेबल है, वहां से भी इसको बाय कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में अमेजोन का लिंक मिल जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।